नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बीटी बाजार। और मेरे साथ आज इस शो पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। इनको सभी जानते हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शंकर शर्मा, फाउंडर जी क्वांट इन्वेस्टेक के और जाने माने नाम, मार्केट वेटरन। सबसे पहला सवाल, 2023 शुरुआत हो चुकी है, 15-20 दिन निकल चुके हैं, अगर हम इसे ओवर्स में देखें तो ये कुछ ओवर्स कैसे लगे आपको और आगे की पारी कैसे जाने वाली है? ओवर में अभी तक एक या दो रन ही बने हमारे शुरू के 5 ओवर में तो कम से कम विकेट नहीं गिरे हमारे, तो मैं बोलता हूँ अभी 5 ओवर में 10 रन फॉर नो लॉस इज नॉट बैड। तो क्या बाकी का साल भी अच्छा जाने वाला है, मान सकते हैं कि पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का? बिल्कुल बनेगा, मैं बहुत उत्साहित हूँ इंडिया के प्रति। मुझे लगता है कि भारत का मार्केट पूरी दुनिया के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रॉब्ली द बेस्ट मार्केट है, सिंगल बेस्ट मार्केट है जहां पर के ये साल तो क्या, मुझे अगले 2-4 साल भी लगता है कि बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मार्केट का ये दस्तूर है, लेकिन ओवरऑल आप अगर 5 साल का व्यू लेंगे तो हिंदुस्तान जैसा मार्केट नहीं है कोई। तो लेकिन अगर इंडेक्स लेवल की बात करें तो हमें फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिली है 2022 में, और अभी भी अगर टॉप ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो वो मानते हैं कि ये साल 2023 में तो या तो लो रिटर्न होगा या नो रिटर्न होगा, लेकिन पैसा फिर बनेगा कहां, कहां पर स्मार्ट मनी मूव होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात है कि लोगों की ओपिनियन के ऊपर नहीं चलना चाहिए। अगर पूरी दुनिया में 20% डाउन था मार्केट और हम वहीं रह गए, तो एक क्रिकेट के हिसाब से देखें तो अगर सामने वाली टीम 82 ऑल आउट हो गई और हम 75/2 पहुंच गए, तो आप ये तो नहीं कह सकते हमने खराब खेला साहब, हमने बहुत अच्छा खेला है, हम गेम हम ही जीतेंगे। लेकिन कई प्रॉब्लमैटिक ईयर्स में अगर आप विकेट पे टिक ही गए, रन कितने बने ना बने आप छोड़ दो, तो अब पिच आसान होता है और ये पिच आसान होगा, इन्फ्लेशन घटेगा और ग्रोथ रेट्स वापस, जो इंडिया की थोड़ी स्लो डाउन नजर आ रही है वो वापस रिवाइव हो जाएगी। और कंपनियों से अगर बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास वाइड स्प्रेड स्लो डाउन का कोई भी माहौल है, तो मैं काफी उत्साहित हूँ इस साल को लेके। अभी तक की जो अर्निंग्स आई है उसमें आपको किस तरीके से लगा है कि कैसे सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, कौन से सेक्टर्स पे अब आप ज्यादा बुलिश होंगे अर्निंग्स के बाद? मैं अर्निंग्स देखता हूँ तो स्मॉल कैप की अर्निंग्स बहुत ही रोबस्ट आए हैं, लार्ज कैप्स की एवरेज आई है, मतलब कहीं ठीक है कहीं बहुत ठीक नहीं है। एशियन पेंट्स की बहुत ठीक नहीं है, आईटी कंपनीज की एवरेज है, मिडलिंग है, लेकिन स्मॉल कैप की कंपनियां मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस बार स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए? जी लगाना चाहिए, लेकिन आप समझ बूझ के लगाएं, ये बड़ा जोखिम भरा एरिया है, यहाँ आसान पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन जहां बनेंगे आप मल्टीपल्स बनाएंगे साहब। आप मल्टी बैगर्स कैसे खोजते हैं शकर? मल्टी बैगर मुझे खोजते हैं, मैं नहीं खोजता हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा मल्टी बैगर्स होते हैं, पर वो सीक्रेट रेसिपी क्या है आपकी, जब आप सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट कर लेते हैं बाकी के बाजार में, बाकी फंड मैनेजर्स वो ऐसे सोचते हैं मेरा तो बना नहीं पैसा, लेकिन आपके तो डेफिनेटली अच्छे बनते हैं? नहीं, कई बहुत ज्यादा तो इसमें लक का भी रोल होता है, लेकिन लक के आगे एक अगर 30-35 साल से आप कुछ करें तो कम से कम आप इतना समझ जाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, और जब नहीं करना चाहिए का आंसर आ जाता है, जो करने वाली चीजें कम होती है, नहीं करने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। डोंट्स की लिस्ट में इस बार कौन से आएगा, कौन से सेक्टर से दूर रहें, किस टाइप के स्टॉक से दूर रहें? देखिए, मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप्स में उतना कोई जूस बचा नहीं है, तो उनमें आपको बहुत बड़े पैसे नहीं बनेंगे, आप इंडेक्स रिटर्न भी शायद ना बने आपके, तो यहां पर ग्रोथ इंडिया में स्मॉल कैप्स की है जो कि आगे चल के लार्ज कैप होंगी, सारी नहीं बनेंगी लेकिन कुछ बनेंगी। अब वो कुछ के लिए आपको 50-100 कंपनियां, 50 कंपनियां कम से कम लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपको एक औसत दर पे आपको 5-10 मल्टी बैगर्स, तो क्या मतलब कि वो लार्ज कैप बनने वाली कंपनियां मिलेंगी, तो ये आपको थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेना पड़ेगा, कोई एक इसमें होली ग्रेल नहीं है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या मंत्र आप सजेस्ट करेंगे 2023? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए पहली बात म्यूचुअल फंड रूट, स्मॉल कैप फंड्स के अच्छे फंड मैनेजर से उनमें डालें, और कुछ पैसे आप खुद डालें, और कुछ पैसे डालने में ये होता है कि आपको एक तजुर्बा होता है, अनुभव मिलता है आपको, उसमें गलतियां आप करेंगे तो आप लर्न करेंगे, तो ये एक ट्रायल एरर लर्निंग गेम है जहां पर हमने सब वो जर्नी पूरी की, हमने गलतियां की, आज भी गलतियां होती हैं, गलतियां होती हैं, सबसे हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन उसे सीखना चाहिए, उससे आप निराश ना होए, उससे आप एक उसको एक ट्यूशन फी माने, ट्यूशन फी देके आप उससे कुछ सीख के निकले तो आप बेटर इन्वेस्टर्स आगे जाके बनेंगे। अगर आज कोई 25 साल का नौजवान या नवयुवती उसमें घुस रहे बिजनेस में, तो आप 2-5 साल आपसे गलतियां होंगी, और अगर पहले जल्दी पैसे बन जाते हैं तो बिगिनर्स लक पर ही आप उसको एट्रीब्यूट करें, अपने स्किल को ना करें, लेकिन 10-15 साल के बाद आप इस बुनियाद पर एक बहुत बड़ी इमारत आप खड़ी कर सकते हैं।
मैं आपसे जानना चाह रही थी न्यू एज टेक स्टॉक्स के बारे में। 2022 में हमने देखा किस तरीके से वैल्यूएशंस नीचे आई हैं, 30-40-50%, 1/5 तक पहुंच गए कई कई स्टॉक्स। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको मिलेनियल इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा मानते थे, उनकी डे टू डे यूसेज में पेटीएम, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, नायका जैसे कंपनियां उनके फोन में है, वो रोजाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं भी यूज करती हूँ लेकिन मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो अब जिन लोगों ने स्टॉक लिया उनका तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक कंपनियां यहां से अच्छा परफॉर्म करती हैं? मुझे नहीं लगता कि इन कंपनियों में कोई, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन बिजनेस हो सकता है। देखिए, बिजनेस और वैल्यूएशन दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस अच्छा हो लेकिन अगर वैल्यूएशन इतना ओवर प्राइस्ड है तो वो कब पैसे बनेंगे उस शेयर में? बिकॉज हम उसके लिपस्टिक खरीद लें वो अलग बात है, लेकिन या उससे फूड डिलीवरी कर रहे अलग बात है, उसको आप इन्वेस्टिंग में ना लेके आए। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन इनमें अभी भी बहुत डिमांडिंग है। इनमें कोई भी मुझे सस्ती कंपनियां नहीं नजर आती। आज भी नायका अगर देखें तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप बोले लिपस्टिक के स्टोर का, किस बात का 40,000 करोड़? अब वो तो हम नहीं मान सकते कि अब लिपस्टिक का किस लिए होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपने जो राय दिया आई एम श्योर इन्वेस्टर्स समझेंगे, सभी व्यूअर्स समझेंगे। जब हम आईपीओस की बात करते हैं, आपने अक्सर कहा है कि आप ज्यादा पसंद नहीं करते हैं आईपीओस में निवेश करने के लिए, और ज्यादातर आप लिस्टेड कंपनियों को जो हम देख चुके हैं उसकी परफॉर्मेंस उसको जांचते हैं। लेकिन अभी अदानी ग्रुप ने यह बताया कि हम 5 और कंपनियों का आईपीओ लेके आने वाले हैं, उनके आईपीओस ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, उनको कैसे देखा जाए? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आपको रीजनेबली लो प्राइस शेयर्स मिले हैं, जैसे मैंने एक इन्वेस्ट किया था कंपनी द्रोणाचार्य है जो ड्रोन कंपनी है, लास्ट ईयर मैंने एक साल पहले, हाँ तो मैंने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था 54 रुपए पे पर शेयर के प्राइस पे, लास्ट जनवरी में 2023 में, सॉरी 2021 में, और मैंने आईपीओ भी इंश्योर किया कि 54 रुपए पे ही लेके आऊं, जिस प्राइस पे मैंने एक साल पहले डाला था जब कंपनी प्री रेवेन्यू थी या नियरली जीरो रेवेन्यू थी, उसके सामने में कई गुना रेवेन्यू बढ़ गया इस साल, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि 54 रुपीज पे ही इश्यू आए। अब 54 पे जो प्राइस पे मैंने एक साल पहले, उस पर मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी लेने की, उसका नतीजा ये हुआ कि आज स्टॉक 150-200 रुपया पहुंच गया 4 times इन वन मंथ। मैं बोलता हूं कि प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स और पीपल लाइक अस हैव टू इंश्योर दैट ये ओवर प्राइसिंग जो गेम हुआ है आईपीओ का, ये खत्म हो। बिकॉज अगर आप गोल्डन गूस जो रिटेल इन्वेस्टर उसको ही मार देंगे तो अंडे नहीं देगी आपको, बात खत्म हो गई। इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, कैसे आगे? सोल्यूशन है अपनी ग्रीड को आप कंट्रोल करें। मैं चाहता तो मैं 54 क्या, मैं उसको 150 रुपए बेच सकता था आईपीओ को, मेरे नाम पर बिकता था मेरे, और वो तो बड़े आराम से, मतलब देयर वाज इनफ डिमांड एट 125-150 रुपीज, बट आई सेड नो, कंट्रोल योर ओन ग्रीड। मेरे पैसे बनेंगे, मेरा एक साल लॉक इन, एक साल के बाद देखा जाएगा, लेकिन आज जिसने आईपीओ में डाला वो पैसे बनाएगा तो एक लेट्स से पुण्य आप कमाते हो एज कंपनी और एज इन्वेस्टर्स। तो लोगों को ये मर्चेंट बैंकर्स हुए, वीसी इन्वेस्टर्स हुए, प्रमोटर्स हुए, इनको एक पुण्य का एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम इन्वेस्टर्स के जेब में पैसे डालेंगे, 1 लाख डालेंगे, 10 लाख वापस देगा मुझे। इस थॉट प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं? पूरे 2022 में 70% आईपीओ ऐसे आए जिसमें ज्यादातर ओएफएस आए हैं, तो इस थॉट प्रोसेस पे आप क्या राय रखें? प्रॉब्लम ही यही है, बिकॉज आईपीओ को एक गोल्डन गूस की तरह देखा जा रहा है कि आज ही किल करके सारे अंडे निकाल लो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको देख रहे हो कि मैंने ओएफएस की बजाय कंपनी ने पैसा लिया, या एक जो रेशियो ओएफएस का वर्सेस न्यू कैपिटल थोड़ा सा आपने टिल्ट किया, 10-20% ओएफएस हुआ, बाकी आपने, बिकॉज कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो सारा ओएफएस क्यों हो रहा है? तो ये तो मुझे समझा दो, आप मुझे बोलो आप अपने पैसे डालो और मैं अपने पैसे निकाल रहा हूं, ये तो मतलब कोई कॉमन सेंस की बात है साहब। आपने सही कहा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में क्या हाल में कोई चेंजेस करे, या फिर अब किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, कहां पर निवेश करें? नहीं, मैं तो करता ही रहता हूँ इन्वेस्ट, मैंने आई एम ऑल इन, आई एम 100% इन्वेस्टेड। अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे कुछ बेचना पड़ता है। पर्सनल पोर्टफोलियो में से एक वीआईपी क्लोदिंग नाम की कंपनी है जो मतलब हमारे जमाने में बहुत बड़ी ब्रांड थी अंडरवेयर में, मेल इनरवेयर में, वो मैंने डाला बिकॉज वो 300-350 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, जो कि 24% मार्केट शेयर होता था उसका। इस तरह की कंपनियां मैं खोजता हूं कि जो अंडर वैल्यूड हो, जिसमें एक पोटेंशियल हो, मेहनत लगता है, कंपनी से मिलना पड़ता है, आपको तहकीकात करनी पड़ती है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप लेके भूल जाओ, इसमें आपको अंदर घुसना पड़ता है, जो कि एज प्रोफेशनल इन्वेस्टर दैट्स माय जॉब, आई वांट टू डू दैट। एक और सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि पिछले पूरे साल भर में एफआईआईएस ने लगातार बेचा, और लेकिन डीआईएस ने एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम किया है, क्या वो लगातार ऐसे कर सकते हैं अगर एफआईआईएस नहीं वापस आए, या फिर एफआईआईएस की अब हमें जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा? नहीं, ये हम नहीं बोल सकते जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। मैं आपको एक डेटा पॉइंट बोल देता हूं कि आज की डेट में 2023 में
और 2024 में भी ऐसा लग रहा है, अनुमान यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमारा डेफिसिट होगा, तो उसको फंड करने के लिए अब करंट अकाउंट की इतनी बड़ी डेफिसिट है हमारी, वो फंड नहीं हो रही है, इसके चलते हमारे बीओपी का डेफिसिट है, तो हमें एफआईआई की जरूरत है। ये कह देना हम इतना एरोगेंस नहीं हो सकता हमारे अंदर, उनका कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल हमारे ऊपर है कि इंडिया कितना ग्रोथ करे, मतलब ये परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्म करेंगे जन इकॉनमी दे विल कम बैक, बट यू कांट फोर्स देम और यू कांट से कि मुझे नहीं चाहिए जी आप चले जाओ, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अभी मैंने आपको सुना स्टेज पर बात करते हुए कि एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स इतने टाइम से चल रहे हैं और इतने ओवर डिस्कवर्ड हो चुके हैं कि अभी पैसा उसमें लगाना कुछ बहुत ज्यादा खास बात नहीं होगी, तो ऐसा कोई और स्टॉक जो अगले 25 साल तक एचडीएफसी बैंक या एशियन पेंट्स? 25 साल नहीं, मैं 25 महीने भी आज की डेट में कहना बड़ा मुश्किल है, देखा जाएगा। क्या एग्जिटिंग की स्ट्रेटेजी अब जल्दी बना लेती चाहिए कि थोड़े टाइम में अगर मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है और एक रीजनेबल प्रॉफिट? रीजनेबल आपको अपने 10-20% तो निकाल ही लेना चाहिए, अगर आपने डबल कर लिया पैसा तो 20% तो पैसे निकाल ही लो। आप ये ना सोचो कि आप सारी जर्नी अगर 25 टाइम्स होना है तो सारी जर्नी आप पूरे अपने शेयर उतने ही रख के करोगे, ये अगर आप कर रहे हो तो आप हाई रिस्क गेम खेल रहे हो, उसमें हो सकता है एक आध दो जगह बन भी जाए लेकिन बहुत हाई रिस्क गेम है, तो थोड़े पैसे साइड कर लो कि कम से कम कभी ना कभी करेक्शन आता है तो उसके लिए पैसे भी हो कि वापस मैं डाल सकूं। अपने 100% इन्वेस्टेड उसी स्टॉक में रखा तो फिर आपके पास कोई कुशन ही नहीं है, कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं है आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।